हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्यास किचन। फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा खाना हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक डाउट रहता है कि ये हेल्दी नहीं है। तो आज की हमारी ये वीडियो वो टेंशन भी दूर करने वाली है, क्योंकि आज हम जो पिज़्ज़ा बना रहे हैं, ना तो उसके लिए हमें चाहिए मैदा ना तो ईस्ट। ये इतना हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा है कि आपका जब मन करे आप इसे अपने घर के सामान से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो अच्छी लगे शेयर करना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पिज्जा। अब एक बोल में मैंने ले ली है सूजी और उसमें मैं मिक्स कर रही हूं दही। यहां हम सूजी और दही का बैटर बनाएंगे, जिससे बनेगा हमारे पिज्जा का बेस। इसे हम मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जिससे एक थिक बैटर बन के तैयार होगा। ये मैंने दही की कटोरी में ही पानी डाल के इसमें वापस मिक्स करा है। इसे हमें कुछ देर के लिए, अराउंड 10-15 मिनट्स के लिए हमें ढककर रखना भी होगा, जिससे ये बैटर थोड़ा फूल जाए, क्योंकि सूजी थोड़ा फूल जाती है, इसीलिए हमने कुछ टाइम के लिए इसे रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लिया है मैंने, इस तरह का बैटर हमारा तैयार है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। 15 मिनट बाद देखिए ये इतना थिक हो चुका है। मुझे बोल थोड़ा छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने एक दूसरे बोल में से ट्रांसफ़र करा है। अब थोड़ा सा और पानी में डाल रही हूँ, ताकि इसका एक रनिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार हो। ये देखिए, इस तरह का, ना तो बहुत गाढ़ा बनेगा और ना ही बहुत पतला बनाना है, इस तरह का बैटर। ये देखिए, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इनो। इनो नहीं है तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, और उसके ऊपर 1 टीस्पून के अराउंड पानी, जिससे ये जो इनो है वो एक्टिवेट हो जाए। आप इनो या बेकिंग सोडा तभी डालेंगे जब आप पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तब तक आप इसका बिल्कुल नहीं डालेंगे, अगर आप इसे कुछ टाइम के लिए रख रहे हैं तो। ये देखिए, चलिए अब इसका हम बेस तैयार करते हैं। एक हैवी बटर पैन में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कीजिए, आप बटर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल कुकिंग ऑयल ही ले रही हूँ। अच्छे से ग्रीस कर लिया है पैन, और अब यही बैटर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जितना आपका जो पैन है वो बड़ा है, उसके अकॉर्डिंगली आप बैटर डालिए। अगर आप बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली बैटर डालना होगा। अगर आप छोटे छोटे पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो थोड़ा सा बैटर डालिए। इस तरह से इसे फैला देती हूँ मैं पैन में। ये ना तो बहुत थिक होता है, ना ही बहुत मोटा होता है। जैसे आप पिज़्ज़ा बेस मार्केट से लाते हैं उतनी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, इस तरह से अब मैंने इसे 4-5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक करा है। आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे से बबल्स हैं इसमें, यही निशानी है कि आपका बेस नीचे से तैयार हो गया है। साइड चेंज करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब दूसरी तरफ से भी हम 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। देखिए, अब ये हमारा बेस जो है वो तैयार हो गया है। मैंने गैस ऑफ कर दी है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है, नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अब अपनी वेजीज डालने से पहले बेस पे हम डालते हैं थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। इससे जो वेजिटेबल्स है ना, वो बहुत अच्छे से रच जाती हैं। चॉप्ड अनियन, ये टोटली ऑप्शनल होती हैं चीज़ें, आपको जो पसंद है ना, आप वो वेजेस ऐड कर सकते हैं। कैप्सिकम नहीं पसंद है, आप स्किप कर दीजिए। ये है टमेटोज, मशरूम्स, जो आपको पसंद है। यहाँ पे आप, यहाँ पे सोया ग्रैनुल्स डाल सकते हैं, आप कॉर्न्स डाल सकते हैं, पनीर, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जिस चीज़ में पनीर पड़ जाता है। वैसे तो ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के नाम से ही बच्चे इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये देखिए, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स डालते हैं, चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो। आप चाहे ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स आप सूजी के बैटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी मिक्सचर में डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़, जितना चीज़ी बनेगा उतना ही टेस्टी और टेम्पटिंग बनता है ये। और विश्वास मानिएगा, बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि ये सूजी से बना हुआ है। और देखिए कितना हेल्दी पिज़्ज़ा बनेगा ये। आप जब खाएंगे आप खुद कहेंगे ये पिज़्ज़ा सब पिज़्ज़ा को फेल कर देगा। ऊपर से थोड़ा सा मैंने चीज़ और ग्रेट करके डाला है, थोड़ा सा ऑरिगैनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑरिगैनो का फ्लेवर। साइड से थोड़ा सा 1 टीस्पून के राउंड में ग्रीस करा है, ऑयल डाला है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 3-4 मिनट के लिए, या जब तक आपका चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक कुक करेंगे।
देखिए हो गया चीज़ मेल्ट हमारा, कितनी बढ़िया इसकी लुक है। और ये देखिए बातों बातों में तैयार हो गया आपका हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा। बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये सूजी का पिज़्ज़ा बना हुआ है और इतना टेस्टी और हेल्दी है कि आप इजीली अपने घर में इसे बना सकते हैं। ये देखिए कट करने के बाद बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत बढ़िया टेक्सचर, तो ट्राई इसकी ज़रूर बनती है। एक आप एक बार बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि इजी है, टेस्टी है, हेल्दी है, तो क्यों ना बनाया जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस दिव्यास किचन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।